सो हेलो गाइज, इन वेल बैक टेक स्टार बीच आप देख रहे हो इसमें टेक एजुकेशनल वीडियो। तो यहाँ पे गाइज इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ, अगर आपके भी YouTube वीडियो पे लग जाता है कमेटी गाइडलाइन एज रिस्ट्रिक्टेड, अगर आपके भी वीडियो पे लग जाता है तो आप कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एज रिस्ट्रिक्टेड क्या होता है तो इस वीडियो में आपको ये भी बता देता हूँ। गाइज एज रिस्ट्रिक्टेड क्या होता है, मतलब कि अगर आप कोई भी अपना YouTube वीडियो डालते हो तो यहाँ पे आपको एज चूज करने के लिए देता है, यानी कि 18 प्लस आई थिंक। मतलब कि आप समझ लो कि आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो कभी YouTube की तरफ से भी गलती हो जाती है, मतलब कि वो आपके YouTube वीडियो पे लगाते हैं कि आप 18 साल का जो पहले बता मतलब 18 साल से जिसका एज कम है वो आपकी वीडियो को नहीं देख सकते, जो 80 प्लस होंगे वो ही आपके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस गाइज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप लोग जो है कि अपील करें, कैसे जो है कि एज रिस्ट्रिक्टेड अगर आपके वीडियो पे लग जाते हैं तो आप लोग इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो यही मैं आपको इस वीडियो में सारा प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने YouTube वीडियो अगर आपके YouTube वीडियो पे लग जाते हैं एज रिस्ट्रिक्टेड तो यहाँ पे मैं आपको कैसे इसको रिमूव करना है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना YouTube डैशबोर्ड ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको कुछ यू करना है। तो गाइज इसके लिए मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल में। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका जो वीडियो सेक्शन, यानी कि जितने भी वीडियो हैं यहाँ पे आपका सभी शो करेंगे। यहाँ पे आप वीडियो पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज जिस भी आपके वीडियो पे लगा है एज रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे आप लोग जैसा देख सकते हो, यहाँ पे मेरे इस वाले वीडियो पे लगा है, यहाँ पे लिखा हुआ 18 प्लस। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिस वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड व्यूअर्स मस्ट टू बी लीड 18 ईयर्स ओल्ड वॉच दिस वीडियो, मतलब कि जो 18 से ऊपर होंगे वही इस वीडियो को देख पाएंगे, जो 18 साल से कम होंगे वो उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, जैसा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस इसके लिए आपको इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे अपील करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग अपील करके यहाँ पे जो ये ऑप्शन है आप इसको कैसे रिमूव कर देते हो, यानी कि अगर यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो मतलब कि सबके लायक, मतलब सभी लोग इसको देख सकते हैं, तभी जो है कि यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्टेड ये हटाएगा, वरना नहीं हटाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए आपको सबसे पहले अपील करना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस जो रोल आइकन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, जैसे आप लोग वीडियो एडिट करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे वीडियो डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके नीचे ना यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एज रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सेट बाय यूट्यूब, मतलब कि ये जो मुझे मिला है एज रिस्ट्रिक्शन वाला ऑप्शन यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से मिला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट देना होगा रिव्यू के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट रिव्यू, तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है क्लिक। आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट एन अपील, अभी ये पेज ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए यार, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये गाइस मेरा वीडियो रहा, यहाँ पे कमेटी गाइडलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वीडियो का टाइटल वगैरह जो एक डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको बगल में दिख जाएगा प्लीज़ एक्सप्लेन द रीजन अपील रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपने वीडियो का लिंक यानी URL अपने वीडियो का यहाँ पे आपको डाल देना है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे आपको रीजन देना होगा, मतलब और वीडियो का टाइटल यहाँ से आपको लेके यहाँ पे वीडियो का टाइटल डालना है और वीडियो का URL यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही क्लिक हुआ यहाँ पे मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं पहले से ही कर चुका हूँ, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो अगर यहाँ पे आप सबमिट का ऑप्शन पे कर दोगे क्लिक, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लगभग 2 से 4 घंटे या फिर लगभग आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा कि आपका ये जो वीडियो है यहाँ पे उसने जो है कि रिव्यू किया, तो यहाँ पे आपको बता चलेगा, यहाँ पे आपको ईमेल मिलेगा कि आपका जो वीडियो का ये एज रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन है ये हटाया जाएगा या फिर नहीं, आपके ईमेल आईडी पे ये जो है कि मेल मिल जाएगा।